दोस्तों, कॉमिक जगत में जनरल कॉमिक्स कवि अपने समय में बहुत बोलबाला था। कई कॉमिक्स तो इतनी फेमस थी कि आज के समय में वह किसी न किसी कॉमिक्स फैन के कलेक्शन की शोभा बढ़ा रही है। भारत में 35 साल पुराने कॉमिक्स पब्लिकेशन राज कॉमिक्स की शुरुआत भी एक ऐसे ही थ्रिलर जॉनर की जनरल कॉमिक्स से हुई थी, जिसका नाम था खूनी हवेली का रहस्य। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमिक्स टॉक विद विजय में। मैं हूं आपका दोस्त विजय कुमार और हम यहां करते हैं कॉमिक्स रिलेटेड ढेर सारी बातें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉमिक स्टोरी एक्सप्लेन में राज कॉमिक्स के तीसरे इशू खूनी हवेली का रहस्य की। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ ऐसे ही और भी वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल में बने रहें। दोस्तों, अगर आपने ये कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ इसे पढ़ लें, क्योंकि इस वीडियो में हम इसकी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं। हम किसी भी प्रकार की पायरेसी का समर्थन नहीं करते हैं। यह वीडियो हम अपने व्यूअर के एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं। दोस्तों, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, खूनी हवेली का रहस्य यह कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी जनवरी 1986 में। संपादन किया था मनीष चंद्रगुप्त जी ने, चित्रांकन जगदीश पंकज जी ने और लेखन था तरुण कुमार वाही सर का। कवर आर्ट का पता नहीं चल रहा, लेकिन शायद इसे भी जगदीश पंकज जी ने ही बनाया होगा। कवर आर्ट बेहद क्लासिक सा बन पड़ा है। इसे देख कर आपको किसी वॉल पेंटिंग का एहसास होगा। मोमबत्ती लिए एक बूढ़े व्यक्ति के साथ एक पुलिस अधिकारी और एक पागल औरत दिखाई दे रही है, साथ ही एक शेर जैसा खौफनाक पंजाबी। तो आइए अब बात करते हैं स्टोरी की। कहानी शुरू होती है ठाकुर वीर सिंह की हवेली से, जहां पर वह और उनका नौकर सुखिया रहा करता था। ठाकुर के केवल चार बेटे थे, हीरा सिंह, हरनाम सिंह, जसवंत सिंह। ये तीनों अलग अलग शहरों में अपने अपने व्यापार में व्यस्त रहते थे। चौथा बेटा गिरिराज डॉक्टरी पढ़ाई करके अपनी हवेली गाँव प्रतापगढ़ में वापस आने वाला था, लेकिन उसी दिन ठाकुर साहब की एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी गई। हत्या में शेर के पंजे का यूज़ किया गया था। पुलिस आई, छानबीन हुई, लेकिन कोई पुख्ता सबूत उनके हाथ न आ पाया। इसके बाद उनके चारों बेटों को बुलाया गया। फिर उसी रात बड़ा बेटा हीरा सिंह भी मारा गया। इस मौत से हवेली में दहशत छा गई। पुलिस ने दो कांस्टेबल भी तैनात कर दिए, लेकिन सारी सुरक्षा के बीच फिर एक बार हरनाम और जसवंत की भी हत्या कर दी गई। छानबीन के बीच किसी औरत का जिक्र आया, लेकिन उसकी तलाश नहीं हो पाई। अब की बार चौथा बेटा गिरिराज सबकी मौत देखकर घबरा जाता है और इंस्पेक्टर रमन से प्रोटेक्शन की बात करता है। इंस्पेक्टर रमन प्राइवेट डिटेक्टिव विशाल की मदद लेते हैं। वह दोनों को, यानी कि गिरिराज और विशाल को, मिलवाते हैं ताकि दोनों हत्यारे को पकड़ने में प्लान बना सकें। इस बीच गिरिराज वापस हवेली आता है और एक पागल बुढ़िया को देखकर चौंकता है। उस रात फिर उस पर हमला होता है, लेकिन अपनी सूझबूझ से वह बच जाता है। इस बीच गिरिराज को एक पागल गुड़िया दिखाई देती है बार बार। वह उसकी खोज करता है। प्लान के हिसाब से वह जब हत्यारा गिरिराज को मारने आता है तो फिर वह पकड़ा जाता है। दरअसल गिरिराज के रूप में विशाल ही सारी छानबीन कर रहा था और उसे हत्यारे से जुड़ा एक लिंक उसी पागल बुढ़िया में मिला, जो कि हत्यारे बलजीत की माँ होती है। दरअसल वही पागल बुढ़िया रुक्मणी, जो कि ठाकुर की पहली पत्नी होती है, लेकिन बलजीत के कुरूप होने के कारण ठाकुर उसे बाहर कर देते हैं और अपने बच्चे के हक के लिए रुक्मणी देवी प्रसूतिशोध के लिए पागल होती है, लेकिन बलजीत सारे हत्याकांड में शामिल होता है। इसके बाद उसकी मां भी मर जाती है। गिरिराज से मिलकर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और फिर चारों चिताओं के साथ रुक्मणी देवी का भी दाह संस्कार होता है। तो यह थी खूनी हवेली रहस्य का ड्रामा, सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई कहानी। हॉरर बोलकर इसे प्रमोट किया गया, लेकिन कईयों की थ्योरी भी इसे एक जनरल या फिर थ्रिलर जॉनर की कॉमिक्स मानी गई। अगर आपने भी यह कॉमिक्स पढ़ी हो तो इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो जैसे भी पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। साथ ही ऐसी ही कॉमिक्स रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड कोई फैक्ट या सुझाव अगर आपके पास हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएँ। साथ ही ये भी बताएँ कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। इस वीडियोज़ में कोई फैक्ट अगर हमसे मिस हो गया हो तो वो भी आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। हमसे और भी अपडेट लेने के लिए आप हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल में भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।